हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। आप सब हाजरीन और नाजरीन को प्यार भरा सलाम, अदाब, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और आज मैं जान रंबो अपनी पूरी टीम के साथ आपकी खिदमत में ख्वातीन हज़रात हाजिर हूं अपना शो लेके। ख्वातीन हज़रात, आपने देखा होगा कि मियां बीवी के अंदर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, प्यार मोहब्बत भी होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है। बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उन्होंने देखा होगा अम्मी अबू की लड़ाई होती है ना। सारे बच्चे कह रहे हैं होंगी है बेटा, घर भी जाना है, अब्बू फिर मारेंगे, अम्मी डांटेंगी कि घर की बात बार क्यों कर दी है। जरा माइक देना जरा। हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अरबाब। घर में लड़ाई होती है अम्मी अब्बू की? जी होती है यार, घर में होती है यार। माफी कौन मांगता है? दोनों ही आपस में। हाँ दोनों माफी मांगते हैं, पड़ोसियों से जाके आपस में मांग लेते हैं, आपस में मांग लेते हैं। पहले कौन मांगता है? पहले पापा। पापा माफी नहीं मांगेगा तो घर कैसे आएगा? रात को दरवाजे बंद मिलेंगे और दरवाजा नॉक करता ही रहेगा, नहीं खुलेगा तो पापा बेचारा मजबूर आदमी होता है। बहुत अच्छे। अच्छा जी, पाकिस्तान में बीवियां बहुत शक करती हैं, मर्द हजरात तो इतना नहीं करते क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह का माहौल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बीवियां बहुत शक करती हैं और खामंद बेचारा आसपास कोई भी ना हो, बंद कमरे में भी हो, उसे एक डर लगा रहता है कि कोई ना कोई आंख मुझे देख रही है। घबराया घबराया फिरता है, दफ्तर में भी किसी लड़की से हंस के बात नहीं करता कि पता नहीं किड़ा फोन कर देवे, भाभी आज वो बड़े हंस के बात कर रहे थे शैला से। और जब मियां बीवी, आपने भी बच्चों देखा होगा, अम्मी अबू जब कहीं इकट्ठे जाते हैं किसी शादी फंक्शन पे, सालगिरह पे, तो वापस आके एक जबरदस्त एक माहौल बनता है। अब बीवी मेकअप भी उतार रही है, खामन टाई वाई लूज कर रहा है, शर्ट वर्ट उतार रहा है, अपना कोट वोट उतार रहा है और इजी हो रहे हैं दोनों, तो साथ में बातें थी, उसे देखा था, बड़े गौर से देख रहे थे। वो बंदा घबराया होता कि किनू गौर ना वेख्या, उतने तो 70-80 लड़कियां थी, औरतें थी, किसको देख लिया? वही जिसने जूड़ा बांधा हुआ था, लाल लिपस्टिक लगाई हुई थी, लाल नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, हील वाली जूती भी थी जिसकी। बंदा कहता है इतने गौर से तो मैंने नहीं देखा जितने गौर से तुमने देख लिया। और वो बेचारा घबराया फिरता रहता है, वो हाँ मुन्ना, उसे समझ नहीं आती कि वो हाँ करे या ना करे, ना करेगा फिर भी फंसेगा, हाँ करेगा फिर भी फंसेगा, ना करे हाँ। अब इतने भी बच्चे ना बनो नन्ने, पता है मुझे तुम्हारा। एक बात मुझे याद आ गई है, एक बीवी ने अपने मियाँ से कहा, सुनिए, ये जो पड़ोसी है ना हर साल अपनी बीवी को पहाड़ों पे सैर पे लेके जाता है, आप ऐसा क्यों नहीं करते? तो उसने पता है क्या जवाब दिया? मैंने उसे बड़ी दफा कहा वो मेरे साथ जाने को तैयार ही नहीं होती। इसी बात में फिर वो लड़ाई हुई। अच्छा, आपको पता है कि बीवियां जो है, मर्द जो है वो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है, इजी हो जाता है, ऐसा ही है ना भाई? एक समझदार बच्चा भी बैठा हुआ है, वो कह रहा है ऐसा ही होता है। और जो औरतें होती हैं वो दोनों कानों से सुनती हैं और मुंह से निकालती हैं, इधर से भी सुन ली, इधर से भी पेड़ 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 पेड़। ऐसा होता है ना, ठीक है। अच्छा जी, फिर आते हैं हम टॉपिक की तरफ जी। तो खवातीन जो है वो बहुत शक करती हैं, लेकिन कुछ घरों में ऐसे मर्द हजरात भी हैं जो बीवियों पे भी शक करते हैं। ये इनकी तादाद बड़ी थोड़ी है, हमने एक घर तलाश किया बड़ी मुश्किल से, आज हमने उसे यहाँ दावत दी है। वो साहब ये करते हैं जी कि कुछ नहीं करते, कितनी अच्छी बात है, वो ये करते हैं कि वो कुछ नहीं करते,
گھر میں کبھی ایک صوفے پہ بیٹھتے ہیں, کبھی دوسرے صوفے پہ, کبھی خبریں سنتے ہیں, کبھی ڈرامے دیکھتے ہیں, کبھی فلمیں دیکھتے ہیں, اور کچن میں کھانا بنا پڑا ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں, کیونکہ بیگم صبح آفس چلی جاتی ہیں, صبح ان کے لیے کھانا بنا کے دوپہر کا بچوں کو اسکول بھیج کے آفس جاتی ہیں, وہ پیچھے سارا دن آرام سے گزارتے ہیں, 5 بجے بیگم آتی ہے, ان کی جھاڑ بھی کھاتی ہے, پھر رات کے لیے ان کا کھانا بھی بناتی ہے, پھر بچوں کا بھی کچھ کرتی ہے, پھر بیچاری جا کے کہیں سوتی ہے. تو ایسی ایک فیملی ہے جی, اس کو ہم نے بلایا ہے, ان سے بات چیت کریں گے, بھائی بھی ہوں گے, یعنی کہ سالہ, میاں کا سالہ بھی ہوگا, اور ہم نے اس باس کو بھی بلایا جس پہ وہ شک کرتے ہیں کہ جی آپ 5 منٹ لیٹ کیوں روک لیا آفس میں, یہ کیا بات ہوئی, 5 بجے ہوتا ہے, 5:30 تم گھر آ جاتی ہو, آج 5:45 کیسے ہو گئے. تو اس طرح کی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, لیکن ہنستے کھیلتے ہم ذرا اس کو سنجیدہ نہیں کریں گے, آپ تو گھبرا گئے ہیں, پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. ہنسو ہنسو ذرا. اچھا جی, اس فیملی کو آج ہم نے بلایا ہے, اور بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد وہ فیملی آپ کے ساتھ ہوگی. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا, کیونکہ ہم ویلکم بیک خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ, بریک سے واپس آ چکے ہیں, اور آج ہم اپنے شو میں بات کرنے والے ہیں جی شکی خاوند کے بارے میں. بڑی مشکل سے ڈھونڈا جی, بہت کم ہوتے ہیں ایسے خاوند جو بیویوں پہ شک کرتے ہیں, لیکن یہ ہیں, ان کو میری ٹیم نے ڈھونڈ کے نکالا ہے, کیونکہ ہم میری ٹیم نے پیچھا کیا جی, اور حضرت کو پکڑا جا کے, اور ان سے ہم نے کہا جی کہ گزارش کی ہے کہ آپ ہمارے شو میں آئیں, تو نکھٹو نکمے تو ہیں ہی, تو انہوں نے سوچا چلو پہلی دفعہ کوئی کام ہی کر لوں, تو ہم نے انہیں لالچ بھی دیا کہ ہم آپ کو چیک بھی دیں گے, تو اس چکر میں وہ آ گئے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کی کتنی بےعزتی ہونے والی ہے. نکھٹو خاوند کو بلانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان کی بیگم آ جائیں, جو بیچاری دن رات محنت کرتی ہیں, آفس میں بھی گھر میں بھی اس کی خدمت کرتی ہیں, اور اس سے باتیں بھی سنتی ہیں. تو پہلے تشریف لاتی ہیں بیگم صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی؟ میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ گڈ مارننگ, آپ ٹھیک ہیں جی؟ میں ٹھیک ہوں. آپ نے مجھے جلدی سے بس فری کر دینا ہے, آپ کو پتا ہے کہ میں ہاف ڈے آفس سے نا آدھے دن کی چھٹی لے کر آئی ہوں, میرے ہسبینڈ مجھ پہ بہت شک کرتے ہیں, وہ پھر کہیں گے کہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی. نہیں کوئی ایسی بات نہیں, آپ پریشان نہ ہو, ہم نے ان کو بھی یہاں بلا لی ہے. ان کو میرے میاں کو کیوں بلا لیا؟ کیوں کیوں, کیا ہوا کیا ہوا؟ نہیں نہیں, وہ سمجھیں گے کہ آپ کا اور میرا یو نو. آپ فکر نہ کریں, یہ شو ہے, کیمرے آن ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, پبلک بیٹھی ہوئی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں پہلے اپنے میاں سے بہت تنگ ہوں, مجھے بتائیں آخر میں اپنی یہ ڈگریاں لے کے کہاں جاؤں. اب آپ اپنے پاس ہی رکھیں, بڑی محنت سے آپ نے کمائی ہیں. میرے پیرنٹس نے مجھے اتنی تعلیم دلائی, آج میں جاب کر رہی ہوں, لیکن میرے میاں نے شک کر کر کے میری زندگی خراب کر دی ہے, آخر میں اپنی یہ ڈگریاں لے کے کہاں جاؤں. میں نے کہا نا آپ نے بڑی محنت سے یہ حاصل کی ہیں, ابھی آپ اپنے پاس ہی رکھیں. ہاں آپ نے, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اصلی ہیں, نقلی والے اتراتے پھرتے ہیں آج کل. تو آپ کیوں اترا رہے ہیں اتنا؟ بس کر دیں, ایسی باتیں کریں گی نا, ایسی باتیں کریں گی تو آپ کے میاں آپ پہ زیادہ شک کریں گے. نہیں نہیں نہیں, بالکل نہیں, نہیں 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 بالکل. آپ مجھے بتائیں میں اپنی ڈگریاں لے کے کہاں جاؤں. باہر نکلیں گی نا گیٹ سے, باہر نکلیں, چوتھا جو کمرہ ہے وہاں رکھائیں. ڈگریاں آپ کی اپنی ہیں, آپ اپنے پاس رکھیں محترمہ. میں آپ کو بتا رہی ہوں میرا میاں مجھ پہ بہت زیادہ شک کرتا ہے, اور آپ نے ان کے سامنے مجھے باجی نائلہ کہنا ہے. تو ٹھیک ہے, میں بابی یا باجی نائلہ کہہ دوں گا, کوئی بات نہیں. دل سے کہنا ہے, دل سے باجی نائلہ. میں دل سے ہی کہہ رہا ہوں باجی نائلہ. ساری ہیروئنوں کو پہلے آپ باجی کہتے تھے, بعد میں مطلب کی سپیڈ پہ مجرے کی ہیں آپ نے, پوری دنیا کو پتا ہے. بی بی میں مجرے نہیں, گانے کرتا رہا ہوں. وہ گانے تھے, گانے تھے, گربان کھول کے, وہ گانے تھے. ہاں بس کر دے, گانا ہی ایسا تھا. مجرا میں نے کبھی گھگرا پہنا ہوا آپ نے دیکھا ہے؟ یا میں نے چنری لی اور میں یوں یوں کر کے گانا کر رہا ہوں. ریمبو صاحب میں نے تو یوں یوں گانے کیے ہیں, یہ اس وقت کیے تھے, ابھی کوئی ناڑ پہ ناڑ چڑھ جائے گی آپ کی.
मैं अपनी ये डिग्रियां लेके कहां जाऊं? ये बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, हाँ? डिग्गी में रख के ना, हाँ? आप अगली सीट पे बैठ जाएं। मतलब आप शो में आई हैं, आपको डिग्रियों की पड़ी हुई है। मैं आपका आपके खावंद को आज उनके दिल से शक निकाल के छोड़ूंगा। डन, सही है, बिल्कुल ठीक सही है ना? हाँ। आप तशरीफ रखे, मैं उनको बुला लूं। बाजी नायला, बाजी, हाँ बाजी नायला, बाजी नायला, दिल से, दिल से बाजी नायला, बाजी नायला, दिल से बाजी नायला। कहाँ जाऊं डिग्रियां लेके, कहाँ जाऊं? ओ यार, एना जी बांड दे। आपका मसला इंशाल्लाह आज हल होगा, आप बेफिक्र हो जाएं। तो ख़वातीन हज़रात, अब तशरीफ लाते हैं इनके मजाजी खुदा, नखट्टू नकम्मे अवारा, लेकिन मैं कह नहीं सकता। तशरीफ लाते हैं मियां साहब। नसीब मेरे, बुरे नसीब मेरे, वैरी होया प्यार मेरा, नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा, बुरे नसीब मेरे, बुरे नसीब मेरे। नहीं नहीं, आपके बुरे नसीब, ये गाना तो आप आखिरी तरीकों में गाते थे। मैनू पहले शक है, मैंने कह दी मैं दफ्तर जा रही है, इतने हीरमन बनन आई है। नहीं नहीं, हीरमन बनन आई है। नहीं नहीं, मैं सारा समझदा। और नहीं नहीं, ये था लड़कियां नु बरगलाना है। और नहीं नहीं, आज मैं तेरा पीछा करूंगा। नहीं नहीं, आप मेरी बात सुने, एक मिनट, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं गरीब दफ्तर जा रही है। और नहीं नहीं, इतने माली साहबा बन के बैठी है। ओए हेलो, एक मिनट मेरी बात सुने आप। पीछे हट जा। ये देखे पब्लिक, आज जिंदगी की पहली बारी मेरी गारत जागी है। अच्छा, इधर हो जा। नहीं, अगर देखें आज तक नहीं जागी ना, हाँ? आज भी सुता रहने दे, कोई बात नहीं। यानी तेरे हिसाब ना बेशर्म हो जावा? ना हो जावा? यानी है? जी। आप रैम्बो साहब, रैम्बो साहब, लड़ाई तो होती रहेगी। मैं तेरा केड़ा दफ्तर लगा है? एक मिनट मेरी बात सुने। इतना केड़ा दफ्तर लगा है? रिजवान, मेरी बात सुने। मैं तेरे भी छितर फेरांगा, तेरे प्राण भी मारांगा। साइड हो जा। एक मिनट, साइड हो जा। एक मिनट, अभी अभी आपका शक दूर करता हूँ। मेरी बात सुन, हो जा। मेरी बाजी पहले तेरे शक है। बाजी नायला, बाजी नायला, हर कुड़ी तू पहले यही कहना है। साइड हो जा। यार मेरा शो चल रहा है, लाइव जा रहा है, बच्चे बैठे हुए हैं। दुनिया को तेरी असलियत दसांगा। हैं? कारू जा रहा है मेरा। रिजवान, आपको गलत है। ओ जी औरत, मैंने किसी ने देने नहीं तुम्हारा। हट जा यार। मेरी रिजवान गुस्से में कोई फैसला नहीं कर। नहीं, आप मेरी बात सुने, मेरी बहनों की तरह है वो, बहन है मेरी। इत्थो कह, इत्थो जिथे चंडा लाया इत्थो कह। क्या देता है? सारी गल इधर हो जा। यार दिल छितर फेरांगा, छितर। बात सुने, आप गुस्से में कोई फैसला मत करना। रैम्बो पीछे हट जा। लड़ाई तो होती रहेगी। रैम्बो साहब, मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अपनी जिम्मेदारी पे उनको मेरी बुलाया। बात सुने, रैम्बो साहब, अपनी जिम्मेदारी पे बुलाया मैंने। ये नहीं खामंद, पता नहीं तो बुला ले यार। कादा खामंद है, मैं आपको बुलाया ना मैंने, मैंने आपको बुलाया ना। मेरी बात सुने, मेरी गैरत नु ललकार है। इन्होंने मुझे कहा था आज के शो के बाद आप दोनों का प्यार बढ़ेगा। हाँ जी, केदा केदा, आप दोनों का, आप दोनों का, ओ नहीं, ओ यार, आप दोनों का प्यार बढ़ेगा। नहीं रिजवान, नहीं, तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तेरा कख नहीं जाएगा तेरे अगले पिछले मरण के। क्या बोला एक यार, यार आप मेरी बात, इधर आए एक मिनट, इधर आए, आप समझने की कोशिश करें। यार मेरी आप बात सुने ना, इन्होंने मुझे कहा कि आप दोनों का इंटरव्यू होगा। आपके बोल, ओही बोल, ओ ही बोल तेरी माँ बोल दी भाई, आइया मैं कल ही आइया मैं रात ओ बोल। इन्होंने कहा मैं आप दोनों का पैचअप करा सही दस दंद ना काट, पैसे काट, पैसे काट, पैसे काट बगैर। आप कोई काम करते रिजवान? नहीं करता। तो हर महीने तनख्वाह नहीं लेते इससे? हाँ? कि कितने तनख्वाह लाओ? हाँ? तो मैं सारी दिहाड़ी इंतजार नहीं करता।
बड़ा काम करते हैं आप बैठे मैं बात करता हूँ। लड़ाई तो होती रहेगी, मुझे बताएं मैं अपनी डिग्रियां लेके कहाँ जाऊँ? कड़ियाँ डिग्रियां ये मेरी जो मैंने पढ़ाया है माँ बाप ने, इतनी रिपोर्टा ने हेपेटाइटिस दिया गुर्दे लिया। आप तशरीफ रखिए, आप बैठे, आप गुस्से में कोई फैसला मत कीजिए। इसके साथ नहीं बैठूंगा मैं, मेरे नहीं, साथ साथ नहीं, साथ नहीं, नहीं आप मेरे मजाजी खुदा है, इसके साथ मैं नहीं बैठूंगा। तो मैं आपके साथ आ जाऊं? क्यों आपसे रैम्बो, आई हेट यू। नहीं आप इधर बैठ जाएं। बैठे मैं आपके साथ बैठ जाती हूँ। आप इनके साथ क्यों नहीं बैठेंगे, आपसे बहु आती है उन्हें। मैं आपके साथ बैठ जाती हूँ। बैठे रिजवान, देख कितनी इज्जत कर रही है आपकी, कमा के भी खिलाती है, इज्जत भी करती है। की पेंट करी है ना मेनू, मैं बुलाने लगा हूं अगले मेहमान को, जिसको मर्जी बुलाओ, इनके भाई और आपके साला जी वो भी आएंगे, बहस बुला, करेंगे, बुलाओ उनको। आइए जी साला साहब। मेरी बहन की जिंदगी खराब कर दीती है। तो आपकी किसने खराब की? तो आप सीधी तरह क्यों नहीं आई, यूं करके क्यों आ रहे हैं? सारी जिंदगी नच टप के सिर्फ उसी कमाई है। हाय तो पीड़ा कर को ने मेरी बैठ की जिंदगी खराब कर दीती है। मेरी बैठ की जिंदगी कीड़ी खराब की दी है। मेरी बैठ की जिंदगी केड़ियां बिठा कर दीतियां ने। मैं कह रहा बाद मेरी बैठ की यार देखा मैं किस बंदे के साथ गुजारा कर रही हूँ। देखिए आप इनके साथ रहते हैं? मैं साथ ही, मैं एक छोटा सा कमरा मेरे देता हुआ, मैं उठ रहना, लेकिन इस बंदे ने मेरी बैठ की जिंदगी खराब कर दी। तेरी बैठ की जिंदगी खराब, मैं तेरी बैठ दे उल्टियां करना। फजूल बातें कर रहे हैं, फजूल बातें हैं ये। इसने मेरी जिंदगी खराब की, इसने इसने कैसे की? हफ्ते जी चार दिन कहता मैं तेरा साला, चार दिन कहता मैं तेरी साली। हो गया साथ रहते हैं मुंह देखो गौर नहीं लगता, नहीं लेला छावे बनिया हों, मेरे तो बस नहीं चलता, मेरा दिल करता। एक मिनट यार, मैं देखो ना एक मिनट यार जी। लेला मैं अपने धुप्पे बहना वा, लगता नहीं ताकत का कैप्सूल होंगे फिट मुंह। मेरी भेड़ की जिंदगी खराब, मेरी भेड़ की जिंदगी खराब, और तेरी भेड़ में गटरी धक्का देता। आपके साथ जिंदगी गुजार रही है ना, गटर से कम नहीं है। साहब से आप मरती थी तुम्हें पता है इस बात का? हाँ जी मरती थी, तेरी बहुत मरती थी। दो दो घंटे जी मेरे इंतजार करती थी कॉलेज के बाहर। हाँ। आप कॉलेज गए हैं जी? नहीं कॉलेज की बस चलाउंदा सी। आप इनके साथ रहते हैं? हाँ जी मैं साथ हर वक्त ये लड़ते रहते हैं, शक करते हैं। मैं तो कोई काम नहीं करता, मैं शक में गलत करता हूँ। ये आज यहाँ आई है मुझे बिन बताए मैं किस चीज का खा में तू? हाँ तो किसी गलत जगह पे चली गई है ना, इज्जतदार बंदा है रैम्बो है, उन्हें बड़े होश होश बुला लेती, कीड़ी की क्या मतलब है? अच्छा तेरी हो गया लेट हो गई है, की खराब कर देती है। आप बैठे मैं करता हूँ आपसे अभी बात। मेरा लगता भाई कोई लगता जिन्ने तो गायब होना भूल गया। मेरा भाई मैं कह रही हूँ कि मैं इस बंदे दी बूटियां करनी ने, इन्हें मेरी भैन की जिंदगी खराब कर दी। अच्छा अपनी भैन की जिंदगी वाशिंग मशीन जी सुट के गेड़ा दवा लै। अच्छा जी मैं एक एक और साहब को बुलाना चाहूंगा जी। आपको पता है मैंने किसको बुलाया? और ये मैं आज आपको एक बात बताऊं जी जी। हाँ। ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन खरी बात है। ये क्या? ये जिस ऑफिस में नौकरी करती है हाँ, उस शख्स पे भी मुझे शक नहीं। एडी बाबरा शरीफ ने बाने। आपका ये शक भी दूर किए देते हैं। ये उस शख्स यार 5 बजे 4 बजे हाँ। दफ्तर का टाइम खत्म हो जाता है, 5 बजे खत्म होता है, 8-8 बजे ये ऑफिस का काम करती है। ऑफिस की भांडे तो होती है, ऑफिस का काम करती है। देखिए ऑफिस में की सारे मुलाजमत कपड़े धो के आती है। रिजवान साहब आपका ये शक भी दूर किए देते हैं। आज हमने उस शख्स को मैं खुद जाके मिलूंगा हाँ। और उसका वो हशर करूंगा जो याद रखेगा। आपको मिलने की जरूरत नहीं है, मैं जाके मिलूंगा, मेरी तनख्वाह लेके घर आ जाते हैं। वो कुदरती मुझे गुस्सा ही उन डेटों में आया जब तनख्वाह मिलती। ले ले कटिया। अच्छा मैंने आपको पता है कि उनको भी यहाँ बुला लिया, इनके बॉस को बुला लिया। सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, आप बैठे, आप बैठे देख रहे हो।
चेक रखी है, चेक रखी है, चेक रखी है, मेरा दिन ही खराब हो गई है। अच्छा जी तशरीफ लाते हैं जी, मैं उनको बुलाता हूँ, आपने लड़ना नहीं है मेरे सामने, मैं चला जाता हूँ फिर बुलाए। नहीं नहीं आप, मुझे गुस्सा आ जाएगा, मुझे शो तैश आ गया तो मैं शो कैसे करूंगा, आप सबके सामने कर दिया। इनको तैश आ गया ना, ये उनसे पैसे मांग लेंगे। अगर मैंने पैसे मांग लिए ना, इसकी बहन की जिंदगी खराब हो गई है। अच्छा जी इजाजत है, आपने लड़ना नहीं है, मैं बैठा हुआ ना, कुछ नहीं होता। तो आपकी तालियों में तशरीफ लाते हैं जी बॉस। हेलो ओए बॉस को भेजो जल्दी, जाओ यार। भाई आप मेरी बात तो सुने, एक मिनट, शो शुरू हो गया, बॉस को भेजो। ओ भाई तो यार बॉस ने मेरी बात, बॉस बॉस को भेज। हाँ जी तशरीफ लाते हैं बॉस। भाईजान मैं आप यार मैं तुम्हें मैं सुन सुन चुका हूँ, मैं बिठा दूंगा पब्लिक में, उधर से आओ जाओ, उनके साथ आए हो ना, मैं उनके साथ बिठा दूंगा। यार मेरा शो खराब हो रहा है भाई, जल्दी जाओ जल्दी जाओ यार। सर आप समझ नहीं रहे, हाँ नहीं यार मैं उनकी बात बात को नहीं समझेंगे, मैं समझ जाऊंगा। आप पास करो मेरी नकल यार, उनके यार मैं तुम्हें समझा रहा हूँ भाई, तुम्हें बिठा दूंगा या नहीं बिठा सकता, बॉस को भेजो भाई। मैं बात नहीं सुनना चाहता, मेरा शो शुरू है यार, भाई शो यार तुम एक मिनट यार। और भाई बात चुके बाहर छे बैठ दी थी, खराब हो गई यार। एक मिनट साहब आपके क्यों नहीं आ रहे, मेरा टाइम भाईजान जुलूस गुजर चुका है। यार तुम बॉस क्यों नहीं आ रहे हो भाई, जिस बॉस को तूने बुलाया है हाँ वो मैं ही हूँ, खुदा की कसम है ये बॉस है। ये बॉस है, एक मिनट चुप 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 चुप, ये बॉस है, लख लानत तेरे ते पे, फिटे मुंह इस पे शक करते हैं भाई। एक मिनट तो शक करने वाली चाहिए यार, ये राक्षस है, ये शख्स राक्षस। मैं इनका बॉस हूं क्योंकि पीछे मुझे बड़ा लॉस हुआ है, मैं बॉस हो गया हूं। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे, बैठे बैठे प्लीज बैठे बैठे। गुड मॉर्निंग सर, आज का शेड्यूल बता दें। आज का शेड्यूल, आज का शेड्यूल पित्ते का ऑपरेशन है अभी अभी। नायला 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 ये एक मिनट, आप मेरे शो में हैं यार, अबे नायला बैठे ही ऑफिस में हैं। मैंने इसान मारा, इसान फरामोश, मीठे चौल मेरी वजह से खा रहा तू आज। अब तशरीफ रखे, इस बंदे को क्यों तूने बुलाया, इसको तो घर में भी नहीं बुलाता, आपने शो में बुला लिया एक कछू को। मेरे को पता ही नहीं कि बॉस की इज्जत अपनी बीवी पे शक करते हैं, लाख लाना तेरी जिंदगी देख। आप एक मिनट, आप नायला उधर बैठा, जेब कतरा बहा उधर बहा, उधर बहा बहा सुबह यार, आप बैठ के बात करें यार। किसपे बिठा रहा है चिड़ी, किथे बैठ दी है आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ, बैठ जाओ आप भी, आप भी इधर टेल लगाए तेरे प्योर गुटा तेरी। बस बस आप कोई ना बोले, एक मिनट सर, आप हार्ट सर प्लीज, आपका बीपी शूट कर जाएगा। बेबी आप इधर आए, ओए की रजिस्टर साइकिल कराए थे देने लगा, ये देख रहे हो बेबी, इधर आ जाओ, पढ़ो क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ लिखी है, बार बार इसका नाम लिखा हुआ है, नीचे शेर लिखे हुए देखिए, और ये गौर से पढ़ो, शेर नहीं है ये, पूरे दिन का लिखा हुआ है शेड्यूल है कि क्या क्या करना है, किस किस की मीटिंग है। अच्छा वो फूल बने ना, मैं क्या शेर है ले। ऐसा शक्की बना फूल भी शेर, मैं कन्ने तो तेरी टोटी होनी नहीं, हां तो मैं कभी भैन ते दीदी खराब। खवातीन और हज़रात आज बड़ी मुश्किल से मेरे मेहमान पहुंचे हैं, अभी आपने एक मिनट के लिए खामोशी, एक मिनट के लिए प्लीज। हाँ मैं करता हूँ, मैं एक सामने खड़ा हो जाता हूँ, आपको नजर ना आए, वैसे सामने खड़े होने की जरूरत नहीं है, ये उंगली के पीछे भी छुप जाएंगे,
چپ گیا نا باز آ رہے انہیں کٹا پر عزت کرنی ہے اچھا جی میرے مہمان آ چکے ہیں خواتین و حضرات بریک کا وقت ہوا ہے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کیونکہ ہم ویلکم بیک خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ بریک سے واپس آ چکے ہیں اور شکر ہے کہ بریک میں بھی میرے مہمان بیٹھے رہے ہیں چپ کر کے آپس میں بات نہیں کی ورنہ بہت لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے جی آج اچھا میں سب سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں کہ آپ نے جتنی میری بےزتی کی ہے جی یہ ٹی وی پہ دکھائیں گے آپ نہیں نہیں وہ کاٹ دیں گے کاٹ دیں گے آپ وہ کاٹ دیں وہ اٹھانا وہ یہ صاحب نہیں نہیں وہ کاٹ دیا سر کاٹ ابھی تو بےزتی آپ کی ہوگی میرے ہاتھ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور پٹاس والے پٹاخے ایک منٹ ٹھہر جا اچھا جی ایک منٹ سب سے پہلے آپ نائلہ باجی آپ مجھے یہ بتائیں کہ شادی سے پہلے آپ کو پتہ نہیں منافق صرف نائلہ کہو باجی تمہارے منہ سے اچھے نہیں لگتا دیکھیں آپ کسی طرح بھی خوش نہیں میں نہیں خوش اچھا میں ان کو کیا کہوں آپ مجھے بتا دیں آپ بس سمپل نائلہ کہو اچھا جی اچھا یہ نوٹس کر لیں ہم نائلہ جی اگلے مہینے ہم جا رہے ہیں 10 دن کے لیے گوادر تو اپنے خاوند کو کہہ دو فون نہ کرنا پیچھے میں بھی ساتھ چلوں ہاں چلو تن چکری لا دیں گے اچھا نائلہ جی آپ مجھے یہ بتائیں شادی سے پہلے 10 دن کے لیے گوادر کیوں یہ مجھے بتایا جائے یہ ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے 10 دن کے لیے گوادر اسے کہہ رہے تمہیں چکری اتار دیں گے وہ پھر چکری کھڑا ہو کے کہے گا بہن میری گوادر چلی گئی میری بہن کی زندگی برباد ہو گئی میں اس طرف بھی آؤں گا پہلے مجھے ذرا شروع سے بات کرنے دیں جی آپ کے ماں باپ ہمیشہ ماں باپ جو بھی ہوتے ہیں بیٹی کی شادی کرنے سے پہلے وہ سوچ سمجھ کے لڑکا کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا تو آپ کے ماں باپ نے نہیں سوچا تھا کہ یہ کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے تو آپ کی شادی کیسے کرا دی ایکچولی جب ہماری شادی ہوئی تو انہوں نے اپنا نام بتایا تھا حاجی رضوان حاجی رضوان جی سب سمجھتے تھے حاجی صاحب ہیں بڑے پڑھے لکھے بڑے اچھے سے ہیں یہ تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ انہوں نے اس کی بہن کی زندگی خراب کر دی ہے یہ آپ کی ذاتی زندگی ہے اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے مجھ پہ شک کیوں کرتا ہے یہ وہ تو اینک لالا تیری مہربانی تیرے کے وٹے نہ مرچیں رگڑی دی ہیں کر کے لا دے میں تیرے تھوں کو چیز کھٹ کے مارا گا دیکھے میری بات سنے اینا کونڈا ایک منٹ آپ نے کیا مجھے سمجھ رکھا ہے گھر بسا رہے میری وجہ سے آپ کا چولہا جل رہا ہے چولہے سے منہ اڑیا اگر تیرا نام گیس ہے اچھا مجھے ایک منٹ مجھے میں آ رہا ہوں اس طرف پہلے مجھے آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا عرصہ دراز وہ ہوا مجھے سانس کا پرابلم ٹھیک ہے نا جی پھر مجھ سے کوئی بھی کام نہیں ہوا اس سانس اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا اس سے پہلے میں تو لاکھ سوا لاکھ روپے مہینہ کماتا تھا کب لاکھ سوا لاکھ تو کبھی آپ لائے نہیں لاکھ کی لعنت ہے تم پر میں نے کبھی نہیں لائے لاکھ سوا لاکھ تو کبھی بھی نہیں لائے اور شادی کے دوسرے دن انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے سانس کی پرابلم ہو گئی ہے شادی کے فوراً بعد سانس کی پرابلم ہو گئی تو ہر شادی شدہ بندے کو سانس کی پرابلم نکاح کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے سانس کی پرابلم نہیں بھائی سانس اچھا سانس تیرے سین جو سانس جائی نہیں رہی وہ سانس کیوں کہ تینوں جنی ہوتی پرابلم ہے تینوں کسے دی بھی نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے سانس کی سانس کا ایک پرابلم تو ہوتا ہے اچھا آپ کو سانس کا مسئلہ ہے سانس چڑھتا ہے ایزدما کئی ہزار لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں اصل میں اس کو سانس کا پرابلم تھا ایڈی بوٹی کام کرنے لگ پئی انہوں سوکھدا ساہ آ گیا تم ایک منافق عورت ہو جی رضوان آپ کی بیوی یہ
सुन लो आगे से बकवास अपनी जो ना ये भौंकती है तुम जो इसको बंद करो। मेरी बहन की मेरी बहन आप ना ना ऐसे खामन के सामने ना कि आप ये क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं भौंकना ये वो आप ना ऐसे किया करें आप भौंके मैं खुद भौंकूं मैं बात ये तो कुछ भी नहीं अभी खामोश हो जाओ अबे भाई इस बंदे की ए जड़ा ना ए बंदा जड़ा और आजाद को मार रहे हो ओए बड़ा तेरा केले के छिलड़ का मुंह है और तू क्यों नहीं बात आंदा यार केले का छिलका पीला होता है ये काला है कमाल है अभी ये कुछ भी नहीं सब्जी वाले का गिरेबान पकड़ के कहते हैं मेरी बीवी को फालतू धनिया क्यों दिया है उसके साथ झगड़ा करते हैं तो वो फालतू धनिया क्यों देता है मुझे पता क्यों देता है क्यों देता है औरत का काम है थोड़ा सा दरवाजा खोल के कहे भाई धनिया दे दो हरी मिर्ची दे दो पूरा दरवाजा खोल के मोहल्ले जड़ दी तरह धनिया दे हरियां मिर्चा दे वो तो फिर ये बदमाशी से ले लेती है ना नहीं बदमाशी है। नहीं रिजवान आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है हाथ मुझे मत लगाओ डोंट टच मी नॉट एट ऑल ओके मेरे अगर तेजाब छोड़ दे तेरी बहन जी अच्छा जी आप प्लीज सर मेरे हस्बैंड की किसी बात को माइंड मत इसको यहां से उठा अगर इसको बुलाना था तो फिर मुझे नहीं बुलाना चाहिए था मैं माफी चाहती हूं ये ऐसा जलील आदमी है मैं घर गया हूं इनके अच्छा इनको सैलरी देने के लिए जी जी और इन्हें मेरी टैरानी हवा कर देती नहीं ये गलत बात है ये गलत बात है आप घर के एक मिनट मेरा सवाल है आप मुझे ये बताओ हां जी कि जो मेल ऑनर हो किसी फर्म का मालिक हो वो किसी के घर पे जाके सैलरी मैं यही पूछने लगा था आपका क्या काम है मजबूरी घर जाके क्यों तनख्वाह दे रहे हैं बीमार थी बताएं सर बीमार थी और कह रही थी मेरे खामन के अपना पैंडक्स का ऑपरेशन है पैंडक्स तो मैंने फिर घर में जाके पैसे दे दिए अच्छा मुझे ये बताएं ये कितने अरसे से आपकी फैक्ट्री में काम कर तकरीबन 6 साल हो गए हैं जी सर मेरा खैर साल और होगा बस क्यों सर इसका खामन जो है ना ये इसको काम नहीं करने देता आई एम सॉरी सर नहीं सर प्लीज सर सर प्लीज आप ऐसा मत करें सर सर मैं इनको समझा दूंगी कुछ नहीं होता सर की हो गया तुसी मान लो तैनू की हो गया देखो हुकूमत ने एक कानून पास किया है अगर दफ्तर जी किसी औरत को हरासा करे जी ओदे ते केस हो सकदा है ऐसी कोई गल नहीं किन्ने दफ्तर पाकिस्तान जी चल रहे हैं जैसे लोग हरासा नहीं करते और दरियाई घोड़े मेरी गल सुन ला क्या करते हैं हरासा देख रहे हो ये जुगत पानी भी ओए मझ नु बेसन ला के तल के खाने वाले ठहर जाए मैं आपकी बकवास सुन रहा हूं यार मझ को बेसन ला के खा जी जी सुपर्ब सर आप कितनी अच्छी जुते करते हैं हाउ स्वीट सर आपको तो पता ही है फिर मैंने कभी भी वर्कर को लिख ले जड़ी उन्होंने अच्छी की थी ना लिख ले नोट्स नोट्स एक गल्ला लिखेगी कचरी पड़ती दिन की प्रभाव रिजवान साहब लिखना उनका नोट करना उनका काम है यार ये ऑफिस में नोट करना काम है ये यहाँ झुकते नोट करना काम है सॉरी सर आई एम सॉरी सर सर सॉरी आपने मेरे सारे बिजनेस को फीती फीती कर दिया है मैं तो मैं भी फीती फीती कर दूंगा यार आप कैसे बात कर रहे रैम्बो साहब ये शख्स मेरे घर पे सैलरी देने आया क्यों आया व्हाट इज दिस मैं बीमार थी जब मेरा वर्कर बीमार होता है तो मैं दे सकता हूँ सर प्लीज मेरी खातिर आप प्लीज आप क्यों नहीं समझते मेरी बात को इधर करे ऐसे भी खेल लगा थोड़ा देखिए मेरी बात सुनिए आप यार आप ये आप ये अब तुम्हारे यहाँ हाथ रखेगा ना हाँ तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मैंने किस फैमिली को आज बुला लिया है अपने सर प्लीज आप गुस्सा मत करें आपकी नक्सीर फूट जाएगी थले बैठ आप उधर ना मसाले ना यसु मेरे साथ एक मिनट एक मिनट एक मिनट देखे हाय मेरे पे आ जब इसका मैं जब इसका हाथ तोड़ूंगा हाँ जी फिर तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आप टिश्यू मंगवा दे प्लीज सर के लिए टिश्यू मंगवा दे टिश्यू मंगवा दे कि पिट्ठा करता है टिश्यू क्यों मंगवाए आपने उनकी नाक में रखने हैं जी रैम्बो साहब मेरी बात सुने मैं आज दुनिया के सामने बताना चाहता हूँ मैं बात करना नहीं चाहता था ये बंदा हाँ पहले मेरे पीछे आया करता था मौत के खूबे में डांस करता था ना मेरे डांस का दीवाना था ऐसा ऐसा मेरे घर आना शुगर मेरी बहन से शादी कर ली उसकी जिंदगी बर्बाद यार ये क्या फैमिली है भाई उस दौर में देखे जी लड़के होते थे यंग होते थे अच्छा आप तो आप कभी लड़के भी नहीं मैं शुरू तो जम्मे ही इदां दा सी
ਖੁਸਰੇ ਆਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਸਰੇ ਆਏ, ਹਾਂ ਲੰਗੋਟ ਮੈਂ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਲਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਆਪਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਭੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਥੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਬਾਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਟੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਂਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਡਾਂਸ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬੰਟੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਖਾਤੇ ਡਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਣੇ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਟੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਗਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦਾ, ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨੱਚਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਆਜ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਗਰਜ ਚਮਕ ਕੇ ਸਾਥ ਛੀਟੇ ਪੜੇਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਪ ਕੁਛ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਆਪਕੋ ਤੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਇਨਕੀ ਲੜਾਈ ਹੋਤੀ ਹੈ ਘਰ ਮੇਂ ਜੀ, ਤੋ ਆਪ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਯੇ ਆਜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਬਸ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੋ। ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜੌਬ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਆਪਕੋ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਤੇ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰ ਲਾ ਜਾ। ਦੇਖੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੋ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇਗਾ? ਆਪ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਮਾਉਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਮਾਤੇ ਕਮਾਤੇ ਮਰ ਜਾਉਂ, ਐਸਾ ਦੌਰਾ ਪਵੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਕੀ ਨਾ ਪੜੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਾ ਆਏ, ਇਸਕਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਸ ਜੋ ਬੁੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਕ ਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ, ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਤਲਾਕ ਤੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਇਸ ਮੋਟੇ ਕੋ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮੇਂ ਜੌਬ ਦੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਆਨੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਆਪ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਕਾ, ਚਲੇ ਇਹ ਇਨਕਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਫਿਸ ਮੇਂ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇ। ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੋਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਮੇਂ ਦੋ ਦਫਾ ਇਨਕੋ ਜੌਬ ਦੀ, ਇਹ ਵਾਸ ਇਨਕਾ ਸਮਾਨ ਉਠਾ ਕੇ ਭਾਗ ਆਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਇਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੁਝੇ, ਖਲੋਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਥੀ ਚਲਤੀ ਗਾੜੀਓ ਕਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕੋਈ ਪੀਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ। ਤੋ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੁੱਟੇ ਮੂੰਹ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ, ਜੂਸ ਮੰਗਾ ਲੈ ਸਰ ਕੇ ਲਈ ਪਲੀਜ਼, ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੈ? ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ, ਇਨਕੋ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ? ਸ਼ੂਗਰ ਕਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਆਪ ਐਸਾ ਕਰੇ, ਨੋਟਸ ਲਿਖੇ ਜੀ ਸਰ, 50 ਵਾਲਾ ਨੋਟਸ ਲਿਖੇ, 100 ਵਾਲਾ ਨੋਟਸ ਲਿਖੇ ਔਰ ਇੱਕ 500 ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਅੱਛਾ ਦੇਖਿਏ, ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਬਾਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨਕੀ ਨਕਸੀਰ ਕਾ ਵੀ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਨਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕਾ ਵੀ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾ ਵੀ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਨਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਨਕਾ? ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਕਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਸਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਯੇ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਬਾਤਾਂ ਹੈ। ਅਰੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਮੇਂ ਦਫਤਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅੰਨੀ ਦੀਏ, ਦਫਤਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੈਲਾ ਲੈਲਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ 8 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ। ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਯੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਪ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ, ਆਪ ਮੁਝੇ ਬਤਾਏ ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ। ਓ ਯਾਰ ਬਾਜ਼ੂ ਉਹਨਾਂ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਯੂੰ ਯੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਟੁੱਟ ਐਸਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। आधे घंटे में मीटिंग है आपकी, आपको निकलना होगा। नाली देखो, इट चौके निकले हो तो ਨਹੀਂ, ਜਬ ਤੱਕ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤਬ ਤੱਕ ਤੋ ਸਰ ਆਪਕੋ ਬੈਠਣਾ ਪੜੇਗਾ। ਦੇਖ ਲੈ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈ, ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਗਵਾਦਰ ਮੇਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਆਪ ਆਪਕੋ ਵਾਂ ਜੌਬ ਦੇ ਦੂੰ ਗਵਾਦਰ ਮੇਂ? ਪਹਾੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੂੰ, ਪਹਾੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੁਣ ਲੈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜੀ।
خواتین و حضرات بریک کا وقت ہوا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کیونکہ ہم ویلکم بیک خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بات ہو رہی ہے جی کہ میاں بیوی کے شک کے اوپر اور باس جو ہیں ان پہ بہت شک کیا جا رہا ہے بھائی نہیں وہ سر سوری آپ نے آج بلیک سوٹ کے ساتھ گرے ٹائی لگانی تھی آپ کو پتا میں گرے ٹائی لگاؤں تو نالی میں گر جاتا ہوں وہ تو اب نہ بھی لگائیں تو گر جاتے ہیں سر آپ بھول رہے ہیں آج آپ نے تیرا دماغ تو نہیں خراب تو دند کٹ رہے ہیں نہیں ملازم نالی والی بات پہ میں ہنسا ہوں کہ یہ باقی یہ جاب میں شامل ہے بھائی جاب میں شامل ہے لانڈری بھی شامل ہے ایگریمنٹ ہوا تھا ایگریمنٹ آپ نے پڑھا نہیں بہ کے چھوٹا گوشت کھائیے نا ماما آپ کام نہیں کرتا تو یہ کام گھر سے تیار کر کے آپ کی بیگم کے ہیں سر آج آپ نے بال بیگم ہی تو نہیں ہے بیگم تو نہیں ہے اکیلے رہتے ہیں آج آپ نے بال بیک جیل کرنے تھے آپ نے آپ کو پتا جس دن میں بیک جیل کروں مینو کتا ضرور پہنتا ہوتا اگر بیک جیل نہ کرے تو پھر تو نہیں پہنتا کتے آج میں سیڈ پر نے کیتا مینو ایپ آ گیا تور پھڑے مو تیرا یعنی کہ مینوں پتہ ہی نہیں اونوں میں کد لی رکھیا ہے ہاں اونوں پتہ ہے نا ان کو بھی پتہ ہے یار یار ادھر وہ نہیں ہوتے جو ہاں کفلنگز یہ جو شیر قسم کھا تن کہنے دسیا اور پتہ ہے یار دادی قسم ہے مینوں پتہ تھی میری آنکھاں اونے اینج کر کے کیتا ہے یہ صبح 9 سے 5 بجے تک باہر کام کر کے آتی ہے رات 8 بجے تک برگر کھاتی گھر بھی آ کے کام کرتے ہیں اور آپ سنیں آپ گھر کا بھی کوئی کام نہیں کرتے آپ گھر میں رہتے ہیں ہاں جی میں کر آپ گھر کے کام کر لیا کرو بہن کا ہاتھ بٹا دیا میں دھونا وا صفائیاں میں کرنا وا جھاڑو میں لاونا وا ہاں جی سارا کچھ میں کرنا وا میرے تو میری پیٹ دی زندگی خراب ایک منٹ بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز السلام علیکم وعلیکم السلام پہلے نوکری کر دی 121 کر لا ہاں جی ہاں جی کر اے پہلے کر کے آئیے جاب یہ بھی جاب کر رہی ہے جی 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 فجر کیا میں ہوں فجر علی آپ دیکھ رہے ہیں سی آئی اے نیوز آپ ہے فجر علی اور یہ ہے سنڈا آپ ہیں فجر علی اور یہ ہے سنڈا وہ بھی پوترا ہوا نہیں پوترا ہوا نہیں گنجا گنجا ٹھہر دے ایک منٹ پہلے انہوں یہ سمجھا کہ اتنا کیویں بولتی تے میں کیویں بولتی یہ نہیں تینوں شرم آتی ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ ان کے وہ جاب ہے یہ بھی آپ کی جاب ہے تیری جاب ہے کہ انہوں سمجھا بھائی کیا کہہ رہی ہے ہاں سر جی آپ نے کفلنگ سب کے کہا من کے جن سن میری جاب ہے اس کے ساتھ جو بات کرتی ہوں یہ میرا خاوند ہے پارٹنر آپ چھوڑے ان باتوں کو آپ دیکھو مہمان آئے ہیں وہ آئے ان کی بات سنیں وہ نیوز لے کے آئی ہے ساتھ پکوڑے لے کے آئی ہے جلیبیاں لے کے آئی ہے اور کیا لے گئی پکوڑے لے گئی جلیبی لے گئی تیرا ختم جی
ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਸਮ ਦਵਾ ਕੇ ਬਈ ਖਤਮ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਦੱਸ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮਰਦਾ ਅਫਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮਰੀ बच्चे मजा ले रहे बताइए बताइए ना टीचर आपको कसम है टीचर बड़ा टाई दी नाटर का मुंह है बताइए ना आपने अपना मुंह देखा है आपने अपना बच्चे तेरी जॉब जड़ी है ना ये कहती है कि सारे नाल मुनाफ मसावी है कूक हां जी तू भी मेरे से रहने जी ये है बदजोक गंजा मोटा बदजोक गंजा मोटा चलो खबर सुना बड़ा लॉन्गर का मुंह है चलते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ चलो आओ जी आओ जी उठो जी ओहो न्यूज़ है ओ कैरी चलते हैं हेडलाइन की तरफ रिजवान जो आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है हां ऐसा मैं समझ रही है तो है ना जी आज की पहली हॉट न्यूज मीरा जी गूगल्स झूठा है मेरी पैदाइश का सन 1976 नहीं बल्कि 1985 है मेरी उम्र 41 साल नहीं बल्कि 32 साल है झूठी मीरा कैसे देखो गूगल ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है कैसे झूठी क्यों 1985 ਮੇਰਾ ਦੀ ਉਮਰ ਕਦੀ ਗੂਗਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਗੂਗਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹਦੀ 60 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ 32 33 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ ਸਰ ਆਪਕੋ ਕੈਸੇ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪ ਤੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇ ਇਤਨਾ ਟਾਈਟ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੈ ਆਪਕਾ ਜੋ ਜਬ ਅਬ ਵਾਈਸ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਰ ਆਪਕੋ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰੇ ਆਪ ਤੋ ਵੀ ਆਪ 21 ਇਅਰ ਕੇ ਹੈ सर तो लुकिंग सो यंग सर ये फिल्म में जाने से पहले वो मेरे पास जॉब करने के लिए आई थी really? और वो बोल रही थी मैं कहा आप तो अदाकार बन सकती हैं ओए तेरा इदारा है या यतीम खाना है यार उनका मेरा यतीम खाना तू दाखिल होना बेच मैं कहा नहीं दाखिल होना चले यार चले छोड़े उसकी उम्र को यार आगे चले आज की अगली हैरान कुन खबर उमाइम क्या हुआ हैरान कुन खबर तो सुन लो पहले जी अच्छा जी किन्ना के किन्ना हैरान कौन खबर क्या है उमाइमा मलिक ने मौला जट 2 के लिए अपना वजन 20 किलो बढ़ा लिया फिर तो सड़े मेनू इदी पहन लगी ना अगर ओले वीक ने मजा मजा आले तेरी पहन दी जिंदगी बर्बाद हो गई ना उसके लिए वेट उन्हें बढ़ाना पड़ा होगा लेकिन बताया किसने बताया होगा जी तुसी ते काफी बात वेलियां खा खा के बढ़ाया होगा वेलियां खा खा के तुसी भी करया करो ना वजन घटाओ थोड़ा जिया हां तुसी भी घटा ले वजन की है आप अपनी अपना वजन कम करें वरना आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी तुसी ऐसा करो ना वॉक करया करो सुबह सुबह मज्जा निकलती है नाल ही निकल गए ठीक है मजा निकल दी ना तुसी नाल चलो क्यों हटते मजा हो ना पीछे छोड़े जा कटा भी जा रहे हैं नहीं करते अरे 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 उन्हें कटा कर रहे फिटिंग में ये नहीं कही था जिधा खा रहे हैं उन्हें कटा कह रहे दूर कटाए जी अगली खबर हो गई चुकते नहीं अजय रहें थोड़ी अच्छी कर दस के आई है ना
करने बात? हाँ हाँ चले चले आए बिस्मिल्लाह। ये जरा ऐनक तो उतारे। नहीं 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 ऐनक नहीं उतारता, आंखों पे चश्मा। अच्छा ये हमारा देखे टीवी कितना जबरदस्त है, हमारे टीवी की एंकर बाहर बैठे लोगों से भी बात करती है। सारों इतने बैठे थले बच्चे नु आलंदी है। आप चेक करें देखिए जरा बच्चे नु आ रही है कि नहीं, चेक तो करें जरा देखिए तो सही। नहीं नहीं ऐसे बातें बनी है, ऐसा हो नहीं सकता। अगर टीवी चैनल ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, पाउडर लगा हुआ है, प्लीज आई मैं आपको करेंगी ना सर, 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 प्लीज हाय सड़ सड़ है, उधर मुंह कर लिया सूट और देखता नहीं ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੌਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਈ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਇਟਸ ਓਕੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਚਾਹੀਏ ਆਪਕੋ ਓ ਨੈਵਰ ਮੂਵ ਅਵੇ ਨੋ ਨੈਵਰ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਜੀ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਪਟਿਆਲਾ ਟਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ बोल्ड मनाजिर की वजह से भारतीय फिल्म ठुकरा दी, उर्वा हुसैन का दावा। अच्छा अच्छा किया, अच्छा किया। बोल्ड मनाजिर की आई थिंक वो थक गई है। बोल्ड मनाजिर, बोल्ड मनाजिर, बोल्ड मनाजिर यानी के यानी कि ये एज आपके सिर पे है बोल्ड मनाजिर ये ये सवेरे सवेरे बंदा एक नान लवे ना तो दुकानदार इतना कि जना दही उत्ते छोड़ देता है। एक्सक्यूज मी सर, सर ये बोल्ड मनाजर कौन से होते हैं? आलम लोहार ने भी किया है बारे की बोल्ड मिट्टी दे बावेया। बोल्ड मनाजर और वो बोल्ड नहीं बोल मिट्टी दे बावेया। यार ये बोल्ड मनाजर यानी जिसमें कोई फहाशी का आंसर हो इस किस्म, जस्ट लाइक आपके सर जैसा यानी। लेकिन अच्छी बात है जी, हमारे आर्टिस्टों को बाद में बातें होती हैं तो उन्हें पहले ही सोच लेना चाहिए। बड़ा अच्छा फैसला उनका, अच्छा फैसला नहीं करना, पैसा तो आने जाने वाली चीज है। हाँ मेरे पास थोड़ा बड़ा, मैं आगे तीन फिल्में शुरू कर रहा हूँ, तीन फिल्में शुरू कर रहे हैं, एक छोटी बहन की मंगनी ओदी शुरू कर रहा है। अच्छा हाँ, एक दादी दे उर्स दी ओ शुरू कर रहा है। अच्छा एक दादे दी है, माउंट एवरेस्ट पर शादी करने वाला बाहिम्मत जवान। एक अमरीकी जोड़े ने अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट पर जाकर शादी की और अपनी शादी को यादगार बनाया। ये बड़ी गल है, पहाड़ी ले जाकर शादी की थी, इतने जमीनी शादी कामयाब नहीं हो रही। बड़ी बड़ी गल माउंट एवरेस्ट है, नहीं नहीं मेरी बाजी ने आप कलर कहार दी पहाड़ियां ते जाकर शादी की थी है। नहीं नहीं यार ये देखो, एक मिनट, एक उन्होंने अपनी शादी तो यादगार की है, साथ बंदे भी लेके गए होंगे, उनकी तो रस्म भी हुई होगी ना निकाह की। हाँ जी, उस बेचारे का क्या कसूर है? और देखो जेड़ा उत्ते चढ़ गया ठीक है, जेड़ा थले रह गया रह गया। उत्ते वलीमा भी उत्ते ही किता उन्हें, फोन फोन पे निकाह कराया होगा। हाँ जी हाँ जी, फोन पे निकाह, उत्ते फोन पे निकाह कराया होगा। इतनी ऊंचाई पे जाके मुंह दिखाए में तो ठुड्डे ही पड़े होंगे, बर्फ के गोले ससुर जो था वो खुसरो के साथ ढोलक बजाता था। रिजवान CIA न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले बुलेटिन। देखो हेलो हेलो दिनों रात ब्रेक का वक्त हुआ, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि हम वेलकम बैक खवातीन हज़रात, हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बात हो रही है जी शक सर, एक्सक्यूज मी सर, आपकी कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, आखिरी आखिरी की मतलब है नहीं, उसके बाद फिर तपस्या पड़े
तुमसे बड़ी चीज़ प्लीज आप नोट करें। थैंक यू, आपने मुझे याद करवा दिया, वरना मैं कल सिंगापुर जा रहा था। हाँ। तो मैं दो तीन सिंगल लाने तेरे बंदे दे सिर ते लाने ने। नहीं सर, आपने एक और काम, आपने कटिंग करवानी, आपने कहा याद करवा देना कि कल में मैंने छोटी करवानी, एक साइड पे कलम एक साइड पे होल्डर करवाना। सर आपने कहा था मुझे याद करवा देना, इस दफा सिंगापुर से परफ्यूम लाने आपने मेरे लिए। हाँ, इंशाल्लाह वो मेरे लिए, उन्होंने कहा था मुझे जस्ट याद करा। मैं अपने मन की बदबू मार, ये परफ्यूम नाल कुछ नहीं होना, परफ्यूम जिन्हें मर्जी ला, एंड तेन मुश्क फूर लगना है। ये शक तो करते हैं। हाँ जी। घर में मारपीट भी करते हैं? इतनी बुरी मदानी मारते हैं ना पुड़पुड़ी में। मदानी मदानी लस्सी बनाती है। मदानी ए दी की दुध दी दुकान है। नहीं घर के कार्य मदानी नहीं होती। जो चीज बड़ा तेरा इंसुलिन दी सिरिंज का मुंह है, उठा के मार देते। एक दफा मेरा छोटा देवर उठा के मार दिया था। अच्छा तो छोटे वाले ऑफिस में मुझे रख ले, कल तुम भी आ जाना अपने चिमटे वाला साथ लेके ना आ जाना। चिमटे वाला साथ हजार में साथ, ये आप छोड़ेगी आज, हम आज ये घर छोड़ेगी, बिल्कुल ये फैसला होना चाहिए। आप अगर काम करेंगे तो वो मुलाजमत छोड़ेगी, नहीं करेंगे तो मैं कैसे काम करूंगा। मुझे चाहे रेडी लगा के पैसे कमाने पड़े, मैं कमाऊंगा। जाहिर है रेडी लगाएंगे, क्योंकि मेरे जैसी डिग्रियां तो है नहीं आपके पास। मेरी फैक्ट्री है कपड़े की, या कपड़ा बनता है ना, उत्ते जेड़े धागे ने उन्दे कैंची ना कटने, तू है बस इतना सा काम है आसान। या कैंची ना लबे मुंह ना कुटी जाए। नहीं वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी बीवी को काम नहीं करवाना। मैंने अपनी बीवी को काम नहीं करवाना और मैंने खुद करना नहीं। साला मेरा ये नाचेगा, मैं इसके साथ जाऊंगा। ये क्या काम है ये, भाई। ये तो आप उसे तकलीफ देने वाली बात कर रहे हैं। तकलीफ देने वाली ये नहीं। जब रश के अंदर नाचते हैं इसको लोग चुटकियां काटते हैं ना। अच्छा वो नहीं मैं करने दूंगा। तू इसका टोलकी वाला बन के जा रहा है या गनमैन? नहीं ए गनमैन चुकनाइजर बन के जा रहे हैं। पैसे आप काम नहीं करेंगे जी, ठीक है। अगर आपने काम करना है तो फिर मैं आपको फारिग कर देता हूं। आप अपने फारिग कर दो, मैं नौकरी कर रही है तेरे। देखिए ये आपका घर का मसला है, इसमें मैं जिसे कहते हैं अरे जितनी नहीं बची है मेरा रोला पाले गए। ओके रिजवान, अगर आप काम करेंगे तो मैं वादा करती हूँ मैं नौकरी छोड़ दूंगी, मैं घर पे बैठूंगी। मैं जान 100% काम करूंगा। मुझे भी शौक नहीं है कोई मुर्दा समीर का आदमी नहीं हूँ मैं। जीजा जी मुझे भी कोई I love you मेरी बात सुने रैम्बो साहब। I love you too रैम्बो साहब। अगर मेरा मियाँ काम करे और मुझे घर में इज्जत से बिठाए तो मुझे शौक नहीं है ऐसे चूसनी के मुंह वाले को बॉस को मैं। अब पता चला आपको, वो मजबूरी थी उनकी, वो उनकी ड्यूटी थी। अगर मैं जॉब ना करूं मैं यहाँ रख के इसको यूं कर दूं। नाला जान। अच्छा मुझे चूसनी कहना, बंदा तेरा बठल दे मुंह वाला उनू खामत कही जानी। नाला जान वो मेरे हस्बैंड। मैं अपोलोजाइज करता हूं। अरे वाह माशाल्लाह, तेनु पोलियो ही होना जा। माफी मांग रही करता हूं जी, मैं आपको गलत समझता रहा। थैंक यू। हल्की तुम थी भी लेकिन मैं इनसे सॉरी करता हूं। हां ये क्या बात है, बड़ी बात। इसलिए कि मैं आज तक इनको गलत समझता रहा। शुक्रिया। किसी भी मर्द को ऐसा नहीं करना चाहिए। करना चाहिए बीवी पे छानबीन करने के बाद नाल तो ना हुंदी जा परे हो जा। तोमत नहीं लगानी चाहिए। तोमत नहीं लगानी चाहिए। बहुत दही भले से मना किया रिश्ता है। रेडी लाओ अब आज के बाद तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। अच्छा माफी मांगे जरा गाना गा के। माफी मांगे। तेरा मेरा मेरा तेरा साथ रहे, मौत भी आए तो हाथों में तेरा हाथ रहे। तेरा मेरा मेरा तेरा साथ रहे, मौत भी आए तो हाथों में तेरा हाथ रहे।
बात कर रहे हैं, मुझे आप बहुत अच्छे लगे हैं रैम्बो जी। आपने बड़ी अच्छी बात आज की। आपने मेरा घर दोबारा बसाया है, इसके लिए मैं आपको भी क्रेडिट देता हूँ, आपके शो को भी क्रेडिट देता हूँ। बड़ी मेहरबानी। मैं आपसे भी सॉरी करता हूँ और आपसे भी मैं एक मिनट ये काम आप आज के बाद आपने जॉब नहीं करनी। नहीं सर, मेरा 2 लाख रुपया, मेरी तस्वीरें और मेरा मोबाइल वापस कर दो। ये लड़ाई वाली, ये झूठ है, ये आपका घर खराब करना चाहता है। आपके कितने पैसे देने हैं? 2 लाख। हैं? 2 लाख। 2 लाख? हाँ। कादी फैक्ट्री तेरी? मेरी? हाँ। मैं उसे इधर बाहर निकल, लता तेरी है नहीं। ओए! या अल्लाह! अल्लाह भला करे। ओ ठहर जा। उन्हें पिछे तेरे प्यो ने करनी है। असल दे विच ना जीजू मुझे क्या देंगे? मेरी फैक्ट्री है अपनी, मेरा बिजनेस तुसी पुछे ही नहीं की है। क्या है बिजनेस? मेरी खजूरां दी फैक्ट्री है, मैं उन्हां चो कोई किटकां कट के बेचना। जीजू बाबी अपने आपा जी को तो आपने माफी कर दी, मुझे क्या देंगे जी? मुझे क्या देंगे? 12 बजे का टाइम लेके जाऊंगा, मरी पहाड़ी से धक्का दूंगा। आए, ये पहाड़ी से तका देंगे, तुम ठंडी मौत मरोगे। खवातीन हज़रात, ये मसला हल हुआ, ब्रेक पे चलते हैं, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि हम वेलकम बैक खवातीन हज़रात, हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब बारी है सेगमेंट FIA यानी कि फनकार इन एक्शन की। आज देखते हैं कि हमारे साथ FIA में कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी रमजान शहजाद। रमजान शहजाद, जी रमजान साहब क्या करेंगे आप? जी कॉमेडी करूँगा। कॉमेडी करेंगे जी, शुरू करें। समझ नहीं आ रही जी, बेड़ा गर्क होगा जी, हर बंदे मजाक किए जा रहा है यार। अफजल भाई, एक रेडी वाले से पूछा मैंने, कहा यार ये किन्नू कैसे लगाए हैं? कह रहे जी ऊपर नीचे लगाए हैं। मैंने कहा मैं तेरे से पूछ रहा हूँ भाई, इसका रेट क्या है? तू कह रहा ऊपर नीचे लगाए हैं। हर बंदे यार समझ नहीं आ रही। एक रिक्शे वाले से कहा मैंने, कहा कैंट जाना है? कह रहा यूं निकल जा। और मैंने कहा अल्लाह के बंदे तेरे साथ जाना है? कह रहा मैं तेरे साथ जाऊँगा तो फिर रिक्शे का ख्याल कौन करेगा? अरे वाह वाह, इंसानियत भी यार मर गई। एक जनाजे को मोड़ा दिए, मैंने कहा सवाब का काम है यार, हर बंदे ने मर जाना। एक जनाजे को मोड़ा दिए मैंने मीनारे पाकिस्तान से, मैंने कहा सवाब का काम है। ये डैवो के अड्डे तक किसी ने पकड़ा ही नहीं। मैं कहता रहूँ कलमा शहादत, पीछे मुड़ के देखा बंदा ही कोई नहीं। वो मैंने चरपाई नीचे रखी है, मैंने कहा अल्लाह के बंदे ये बताओ इसे मैंने मारा? वो कह रही तुम्हारा दिमाग खराब है, हम तो चरपाई वापस देने जा रहे थे। एक बुजुर्ग औरत को मैंने सड़क पार कराया, मैंने कहा हमारी माओ जैसी है, दुआएं में देवेगी, हो सकता है हमारी बख्शिश हो जाए। मैंने सड़क पार कराया, आगे से बट्टे मारने लगी, तेरा बेड़ा गर्क। मैंने कहा मासी हुआ क्या है? आधी मैं बड़ी मुश्किल ना और वा रही हूं, तू वाल पार छोड़ है। एक बुजुर्ग आदमी साइकिल से गिरा है, मैं उसे उठाने गया हूं, आगे से मुझे कह रहा है चल बे चल, मैं उतरता ही ऐसे हूं। मैंने भी छोड़ दिया, आगे CNG रक्षे में लगा ठा करके। वो मेरा दिल हिल गया, मैंने कहा बुजुर्ग आदमी, मैंने कहा उठो बाबा जी, किसी ने नहीं देखा। आगे से कमीज हटा के कहने लगा अब देख ले भाई। हाथ नहीं है। एक सब्जी वाले से कहा, मैंने कहा यार सब्जी लेनी है, कह रहा ताजी लेनी है बासी? मैंने कहा जी ताजी। कह रहे खेतों में निकल जा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे मैंने खेतों में जाना तो तेना ही है, सब्जी की दुकान का वास्ते बना रखी है। मुल्तान वाले फकीर भाई, डेरा गाजी खान वाले फकीर, वो जनानियाँ फिर रही हैं, वो बड़े बड़े उन्होंने वो पहन रखे हैं घघरे, इतने चूड़े, दो दो तोड़े गए यहाँ नाक में, कोके डाल रखे हैं। मैंने राजनपुर का नहीं कहा, वहाँ भी हमारे दोस्त रहे हैं,
वो भाई उनके मांगने का स्टाइल ही अजीब है। अल्लाह तला अल्लाह तक बहुने जी दू मेरे बिराएन एक रेड़ी सटवाओ सिल्ला दी एक रेत दी एक मिट्टी दी कंधा टप टप वैन ले ले। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पहले जी वो बच्चा जिसने अपनी जेब से पैसे खर्च करके पतंग उड़ाई है, अब एक वो बच्चा जो सुबह से छत पे खड़ा और काफी सारी गुच्छियां उसने नेफे में लगा रखी हैं और पतंग हाथ में नहीं आ रही। वो पतंग खींचने में फट गई और सात चेपियां भी लिए फिर रहे हैं। वो चेपी नहीं लगी, थोड़ी ओल्ड होगी। अपने लोशन बना लिया, पड़ोसी को मना भी करना भी पेचा मत लगाइए मेरे पर डोर कम है। ओली भाया ओए बंदे तो पोत बनी होए अल्लाह की कसम है मेरे को डोर को नहीं ए लू गुच्छे यार पर मर यार कई मौत ही यार रोका नहीं तेको। वो अवल आगा फैमिली थी गे और मेरे भिरान बड़े भिरान ना लावे पेचा तेरी मेहरबानी यार बंदा बड़ ओ क्या या ओ खड़ वही डोर खोट गई है। एक ला पेचा प्यो दा पुत्र तो ला एगिन एग एग एगिन अच्छा ऐसे ही एक मेल फीमेल और खैबर मेल यानी ख्वाजा सुराया वो किस तरीके से पतंग उड़ा रहे हैं। उधर जाने तो घर मामा भैन नहीं है। मैं हमने आंडी सी मैं गड्डी वाले कह मैं कि मैं इतने जाना प्रोग्राम च मैं कहता फ्रंट सीट पर आ जा चार गेयर की गड्डी सी मेरे वाले पासे करके अठ अठ दब्बी रखे ने उन्हें। वो तो मैं इतने आके गोडा सेक पता लगे मेरा गोडा फट के दब्बी रखे है। मैं तो इतना आप इलेक्शन से खलो रही है मैं तो तकरीर भी लिख ली देखो मेरे भैने तो पढ़ाओ ना मेरे नाल दो मैं इलेक्शन से खलोती है खलोगी तुम वोट दो मैं कौंसल बन गई कौंसल बन गई असैम्बली चली गई असैम्बली चली गई हुकूमत बन गई हुकूमत बन गई तो आल महल ऐलान जिद कर काका जमे हुकूमत मुफ्त नचेगी। मैं ना भी गई ना हुकूमत मैं ट्रैफिक भर्ती हो जाने ट्रैफिक कंट्रोल भी इंज करना है वीरा रोके ए तुम रुक जाओ तुम लंघे हो अच्छा नहीं लंघते तो ना फिर चारे पासे घूमी जाओ कोई बंदा मैं छेड़े ना मैं लगी हूं गुड्डी उड़ान चल वे उस्ताद जी वाह रमजान साहब क्या बात है क्या बहुत बात? अच्छे वाकई मजा आया लगा है कि कोई टैलेंट आज आया है एफआईए में। जी आगा जी क्या कहेंगे रमजान के लिए? इसका मैं बता दूं कि रमजान मेरे शहर से मुल्तान से। अच्छा जी ये मुल्तान का टैलेंट है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ऐसे लड़कों को आगे आना चाहिए तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बहुत अच्छा काम किया इसी तरह करते रहें बल्कि आप करते रहे हैं और करते रहेंगे ये बड़े सीनियर फनकार हैं हमारे। अच्छा मुझसे पहले का ये काम कर रहे हैं। देखे ना कभी कहीं ज्यादा नजर नहीं आए तो आज एफआईए में इनको चांस मिला और इंशाल्लाह अब ये नजर आएंगे जी आपको कहीं ना कहीं जरूर। जी बदर रमजान बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है जी उसकी बोलने का अंदाज और उसकी डिलीवरी बता रही है कि काफी एक्सपीरियंस है उसको इस काम में तो हमारी दुआ है कि ये ऐसी तरक्की करे
पान खा खा के मुंह गार वर्गा कर लिया लेकिन ये कि भाई अच्छा क्या बात मजा आया जी। रुसखाना बाजी रुसखाना बहुत अच्छा परफॉर्म किया रमजान साहब आपने, बड़ा अच्छा लगा देख के। और ये है कि ऑन स्क्रीन आप नहीं थे लेकिन नजर आ रहा है कि आप में काफी टैलेंट है और आप काफी अरसे से कर रहे हैं, और ये क्रेडिट ऑन स्क्रीन पे लाने का सीएए को जाता है, एटीवी को जाता है। आगा मुझे लगता है कि बहुत जल्द रमजान कहीं ना कहीं नजर आने वाला है। जी जी इंशाल्लाह रमजान में बड़ा टैलेंट है, मैं कहता हूँ कि हो सकता है ये आने वाले वक्तों में हमारे सीआईए में ही लोगों को नजर आए। क्या बात जी। चलें जी अल्लाह खैर करे, बहुत शुक्रिया रमजान साहब, थैंक यू वेरी मच। जी ख्वातीन हज़रात आज का शो यहीं ख़त्म होता है, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान